श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 5 दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय ने बताया, जब भगवान शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा उनका अपमान किए जाने के कारण मर चुकी हैं और ऋभु ऋषियों ने उनके सैनिकों को खदेड़ दिया है, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। इस प्रकार अत्यधिक क्रोधित होकर शिवजी ने अपने दांतों से होठों को दबाते हुए अपने सिर की जटाओं से एक लट खींच ली। वो लट बिजली या आग की तरह जलने लगी थी। वे एक पागल की तरह हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर फेंक दिया। आकाश जितना ऊंचा और तीन सूरजों के प्रकाश से भी ज्यादा तेज वाला एक भयानक काला राक्षस बना, जिसके दांत बहुत भयावह थे और उसके सिर के बाल जलती हुई आग की लपटों की तरह थे। उसके हजारों हाथ थे जो विभिन्न हथियारों से लैस थे और उसने मनुष्यों के कटे हुए सिरों से बनी माला पहन रखी थी। जब उस विशालकाय राक्षस ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? भूतनाथ कहलाने वाले भगवान शिव ने सीधे आदेश दिया, चूंकि तुम मेरे शरीर से जन्मे हो, तुम मेरे सभी साथियों के प्रमुख हो, इसलिए यज्ञ स्थल जाओ और दक्ष को उसके सैनिकों समेत मार डालो। मैत्रेय जी ने आगे कहा, हे विदुर, वह काले रंग का व्यक्ति भगवान का साक्षात क्रोध था और वह भगवान शिव के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार था। इस प्रकार अपने ऊपर आने वाली किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में सक्षम समझते हुए उसने भगवान शिव की परिक्रमा की। शिव जी के कई अन्य सैनिक भी उस भयावह व्यक्तित्व वाले असुर के साथ हो लिए, जो बहुत ही ऊंची आवाज में गरज रहा था। वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु को भी मार सकता था, और उसके पैरों में कड़े थे जो कि गरजते हुए प्रतीत हो रहे थे। उस समय यज्ञस्थल पर एकत्रित सभी लोग, पुरोहितगण, यज्ञ के प्रमुख, ब्राह्मण और उनकी पत्नियां, चकित होने लगे कि यह अंधकार कहां से आ रहा है। बाद में उन्हें समझ आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्यथित हो गए थे। आंधी और धूल भरी हवा की उत्पत्ति को लेकर अंदाजा लगाते हुए उन्होंने कहा, न तेज हवाएं चल रही हैं और न ही गायें जा रही हैं, और न ही यह संभव है कि लुटेरों ने ही यह धूल उठाई हो, क्योंकि बहादुर राजा बरही अभी भी है जो उन्हें दंड देगा। फिर यह धूल भरी आंधी कहां से आ रही है? क्या पृथ्वी का विनाश अब होने वाला है? दक्ष की पत्नी प्रसूति और वहां इकट्ठी हुई अन्य महिलाएं बहुत चिंतित होकर बोली, ये खतरा दक्ष ने ही सती की मौत की वजह से मोल लिया है, क्योंकि मासूम सती ने अपनी बहनों के होते हुए भी अपने शरीर का त्याग कर लिया है। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से दिशाओं के शासकों, दिक्पतियों को बे देते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं, जिस तरह मेघों की गर्जना से आकाश में बादल छित्र जाते हैं। उस विशालकाय श्याम पुरुष ने अपने भयावह दांत दिखाए। अपनी भरिकुटियों को फेरते ही उसने आकाश में सितारों को बिखेर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से ढंक लिया। दक्ष के दुर्व्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा भी इस महाकोप से बच नहीं सके। जब लोगों के बीच आपस में बातचीत हो रही थी, उसी समय दक्ष को हर दिशा से, धरती और आकाश से अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। हे विदुर, भगवान शिव के सभी अनुयायी यज्ञ स्थल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे कद में छोटे थे और विभिन्न प्रकार के हथियार ले रखे थे। उनके शरीर शार्क मछली की तरह काले और पीले रंग के प्रतीत हो रहे थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ते हुए उपद्रव मचाने लगे। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल को संभालने वाले खंभों को गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञस्थल को तहस नहस करना शुरू कर दिया और कुछ ने रसोई घर और रहने वाले कमरों में घुसकर उपद्रव मचा दिया। उन्होंने यज्ञ के लिए बनाए गए सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ लोगों ने यज्ञ अग्नि को बुझाना शुरू कर दिया। कुछ ने यज्ञस्थल की सीमांकन की हुई मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञस्थल में पेशाब कर दिया। इनमें से कुछ ने भागते हुए ऋषियों का मार्ग रोका, कुछ ने वहां एकत्रित स्त्रियों को धमकाया डराया और कुछ ने मंडप से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। मणिमान ने, जो शिव के अनुयायियों में से एक था, भृगु मुनि को गिरफ्तार कर लिया और काले दानव वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को गिरफ्तार कर लिया। चंडेश नाम के एक अन्य अनुयायी ने पूषा को और नंदीश्वर ने देवता भक्त को गिरफ्तार कर लिया।
लगातार पत्थरों की वर्षा ने सभी पुरोहितों और यज्ञ में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों को अत्यधिक संकट में डाल दिया। वे अपने जीवन के भय से विभिन्न दिशाओं में भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने आग में अपने हाथों से आहुति अर्पित कर रहे भृगु मुनि की मूछें नोच ली। वीरभद्र ने तुरंत उस भक्त को पकड़ लिया जो भृगु के द्वारा शिवजी को शाप देते समय अपनी भौहें हिला रहा था। वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने भक्त को जमीन पर पटक दिया तथा बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। जिस तरह अनिरुद्ध के विवाह समारोह में जुए के खेल के दौरान बलदेव ने कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी तरह वीरभद्र ने दक्ष और पूषा दोनों के दांत निकाल दिए थे, क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव को शाप देते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप मुस्कुराते हुए दांत दिखाए थे। तब दैत्य के समान विशाल पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और अपने तीव्रधारी हथियार से उसके सिर को धड़ से अलग करने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वो सफल नहीं हो सका। मंत्रों तथा हथियारों की शक्ति से उसने दक्ष का सिर काटना चाहा, परंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक काटना भी असंभव हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक विस्मित हो गया। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिसका उपयोग पशुओं को मारने के लिए किया जाता था। उसने इस सुविधा का लाभ उठाकर दक्ष का सिर काट दिया। वीरभद्र के कृत्य से भगवान शिव के अनुयायियों को प्रसन्नता हुई और वे खुशी से चिल्लाए, और सभी भूत प्रेत और राक्षस जिन्हें बुलाया गया था उन्होंने भयानक आवाज की। दूसरी ओर यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु पर शोक में विलाप करने लगे। तब वीरभद्र उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ की अग्नि के दक्षिण दिशा में आहुति के तौर पर अर्पित कर दिया। इस तरह से भगवान शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर दी और समूचे यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के निवास कैलाश के लिए प्रस्थान किया।